तो 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ मिश्राणी के द्वार पर फिर से अलख जगाते हैं। अलख निरंजन, मिश्राणी नहीं आती। फिर दूसरी बार में फिर आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन, तब भी माई नहीं आती। तीसरी बार में माई आती है, मिश्राणी आती है, कहती है, लो महाराज भिक्षा। तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी कहते, क्या बात माई, लड़का पैदा नहीं हुआ? कहती है, नहीं महाराज। गुरु मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी भभूति बेसर हो, बता तूने मेरी भस्म खाई थी? गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से मिश्राणी कहते, नहीं महाराज, मैंने भस्म नहीं खाई, मैंने वो भस्म कुरड़ी में फेंक दी, कुरड़ी में फेंक दी। तो आइए भजन के माध्यम से गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी मिश्राणी से क्या कहते हैं। हाय हाय राम डोबगी मन ने सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई, हाय राम डोबगी मन सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई, हाय राम डोबगी मन सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई, हाय राम डोबगी मन सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई। अपनी किस्मत अपने हाथा फोड़ी, परम फस कैसी थी राही मोड़ी, अपनी किस्मत अपने हाथा फोड़ी, परम फस कैसी थी राही मोड़ी, के ठीक सके से गलत समझ नहीं पाई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई, हाय राम डोबगी मन सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई। सुख औलाद का कोना मेरे भाग में, सारी उम्र जलूंगी इसे आग में, सुख औलाद का कोना मेरे भाग में, सारी उम्र जलूंगी इसे आग में, मन अपनी कोख पर आप लाली शाही, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई, हाय राम डोबगी मन सीख पराई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई। होता सीख मकोना आती, कूड़े में इस भस्मी नहीं गिराती, पता ज होता सीख मकोना आती, कूड़े में इस भस्मी नहीं गिराती, मन ना
जिया चढ़ती बेल कटाई बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई आए राम टोप लगी पराई बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई आले यो मंजूर से शन परिये मेरा हाय के कसूर से ऊपर आले यो मंजूर से शन परिये मेरा हाय के कसूर से बाबूती को ना